motion, please? Good morning. Good morning. Avaaz nahi aayi. Good morning. Good morning. Happy morning. Happy morning. दूसरी बात, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जो मार्ग अपनाना है उस मार्ग को तय करते हैं। जो मार्ग है सकारात्मकता, भी हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी कि हमने हमारा जो स्वर्ण भारत का लक्ष्य है वो स्वच्छता, सकारात्मकता और राज्यों को लेकर के निकला है। तो हमारा ये जो सकारात्मकता की बात है, सकारात्मक तो तरीके से जब हम मंदिर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो वो हम इजीली पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर क्या बातें हैं? सकारात्मक है सबके मन में, क्या होता है? नकारात्मक होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू साइड्स हम उनको हमेशा देखते हैं। और कई बच्चों के मन में हर कार्य करते हुए कौन सी बात रहती है? नेगेटिव। एग्जाम तो दे दिया, पता नहीं अभी पास होंगे या नहीं होंगे, मेरा पेपर तो अच्छा गया, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, शायद मैं सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकूंगी। अब बच्चों देखो, आप पेपर छुड़ाने के लिए जा रहे हो और आपके मन में ये है कि शायद मुझे मैं पास होंगी या नहीं होंगी, तो वो पूरे वाइब्रेशन उस पेपर में उतर रहे हैं। कोई टॉपिक आप स्टडी करते हो हमेशा टॉपिक स्टडी करते पकड़ने के बाद करते वक्त आपको कई बार वो कठिन लगते हैं ना, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको टॉपिक बहुत कठिन लगते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन लगते हैं और उसको हम पढ़ नहीं पाते। बच्चों देखो, अगर हमने पढ़ाई करने के लिए बैठना है और बैठने से पहले ही यहाँ पे हमने बता दिया मन को ये कठिन है, तो क्या हम उसको क्रैक कर सकते हैं? और जब हम आप एक ट्राई करना, ये मैं कई बच्चों को देखती हूँ, मेरे क्लासरूम में भी बच्चों को बताती हूँ, कई सारे रोना रोते हुए आते हैं कि मैडम ये टॉपिक तो बड़ा कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम उनको एक मेडिटेशन बताते हैं, एक विधि बताते हैं और कहते हैं कि ये बहुत इजी है, और फिर उसके कुछ टेक्निक्स देते हैं पढ़ने के, टेक्निक्स देने के लिए आपके पास टीचर्स हैं। लेकिन मन को फीलिंग देने के लिए आप खुद को बताना पड़ेगा कि ये इजी है, तो वो बहुत इजी बात हो जाती है। तो ये सारा मन का खेल है बच्चों। अगर मन को हमने बता दिया ये कठिन है तो कठिन ही लगता है, और मन को हमने कह दिया कि ये बहुत इजी है तो वो बात कैसे हो जाती है? इजी हो जाती है। तो स्टडी को इजी बनाने का एक राज है सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना, और जिस मार्ग पर पॉजिटिविटी से चलेंगे उससे बड़े से बड़े काम हमारे हो सकते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ बताऊंगी पॉजिटिविटी का कैसे काम होता है। पॉजिटिविटी से कहानियां नहीं बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि आप आज के विज्ञान के बच्चे हो, कहानियों पर विश्वास नहीं करते। मैं आपको दूंगी एक केस स्टडी, समझते हो केस स्टडी? रिसर्च जब करते हैं, कुछ पेपर पब्लिश होते हैं और उन पेपर्स में वो सब लोगों के लिए पढ़ने के लिए निकलते हैं। तो ऐसे ही एक मैगजीन आता है लाइफ पॉजिटिव मैगजीन, नाम सुना है किसी ने? ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, बहुत सुंदर मैगजीन है, कभी हाथ मिले तो पढ़ना। लाइफ पॉजिटिव, क्या नाम है? लाइफ पॉजिटिव में एक केस स्टडी पब्लिश हुई थी। अब कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनना, मजेदार है। आपने दक्षिण कोरिया का नाम सुना है? साउथ कोरिया का नाम सुना है? एक देश है, उस देश में एक मैको रिवर, हैंस रिवर कहती है, हैंस रिवर, रिवर का नाम हैंस रिवर, वो कोरिया की फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है, नदी है। अब उस नदी पर एक पुल बनाया गया जिसका नाम है मैको ब्रिज। क्या नाम है? मैको डिस्ट्रिक्ट की तरफ वो क्रॉस करने वाला उस सिटी में उसका नाम रखा गया मैको ब्रिज। जब ब्रिज बनाया गया बच्चों, तो
तब क्या हुआ, वो ब्रेड बनाते बनाते कोई वर्कर की वहां पे जान चली गई। उसने कुछ हुआ होगा और उस कुछ बातें हुई होगी और उसने वहां पे सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। बात बहुत सिंपल है, एक व्यक्ति की जान चली गई, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए। देखा देखिए दूसरा व्यक्ति को भी लगा उसको उसके भी घर में कुछ अनबन हुई होगी, दूसरे ने भी खुदकुशी कर ली, ठीक है। कुछ दिन बीते, कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, तीसरे ने भी की, मतलब ऐसे चार पांच घटनाएं हो चुकी। अब चार पांच घटनाएं होने के बाद लोगों के विचार चलने लगे, नकारात्मक विचार चलने लगे कि ये तो ब्रीड हॉन्टेड ब्रीड है। हॉन्टेड माना भूतों वाला, मतलब वहां जाने के बाद किसी को भी ना खुदकुशी करने की इच्छा होती है। ये कैसे बनेगा? लोगों की अफवाहें, लोगों की मान्यताएं, लोगों के विचार। उस पुल से जो भी जाता था घर से क्या लेके आता था, मन में यहाँ से जाने के बाद खुदकुशी करने की इच्छा होती है, ये वाली बात मन से लेकर के आते थे। और जब वो ब्रीज पर आते थे तो सही में उनको ये इच्छा होती थी। बात कितनी छोटी है कि मन के विचार इतने भयानक बातें करवा सकता है। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब क्या करना चाहिए, इतना बड़ा हमने ब्रिज बनवाया उसको बंद कर दे, कितना गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, ठीक है। फिर एक कमेटी बुलाई गई कि क्या करना चाहिए, अपने अपने सुझाव सबने दिए। किसी ने क्या कहा होगा क्या करना चाहिए, अब किसी को अगर रस्ते से जाते जाते सुसाइड करने की बिल होती है तो क्या करना चाहिए, क्या बताया होगा? बताया कि उसके ऊपर एक टनल बनवा दो, टनल समझते हो, कवर कर दो, ब्रिज को कवर कर दो। अब कवर करने से क्या होगा बच्चों, खुद नहीं पड़ेंगे, है ना। फिर कहा कि नहीं टनल नहीं बनवा सकते क्योंकि ये बहुत खर्चे वाला काम है, जितना पुल को खर्चा नहीं आया बनाने में उससे कई ज्यादा खर्चा टनल बनवाने में आएगा, ये नहीं हो सकता। फिर और अन्य अन्य बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई, किसी ने कहा कि जाने बनवा देंगे, किसी ने क्या और क्या। फिर एक कमेटी बिठाई गई जो सकारात्मकता को विश्वास करती है, सकारात्मकता पर विश्वास करती है। और उन्होंने क्या किया, कमेटी ने निर्णय लिया कि हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार लिख करके उस ब्रिज के ऊपर लगा देते हैं। विचार कौन से, सकारात्मक। और विचार कैसे थे, आप बहुत अच्छे इंसान हो, घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है, जब कोई आएगा तो ये लाइन पढ़ करके क्या सोचेगा, अरे हाँ घर में कोई इंतजार कर रहा है, मुझे खुदना नहीं है यहाँ से। आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना है, ऐसे ऐसे कुछ फोर्स कुछ विचार उस ब्रिज के ऊपर लिखे थे। और जब वो लोग आते थे पढ़ते थे तो अपने आप उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस कैसे हो जाते थे, पॉजिटिव हो जाते थे। और पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला व्यक्ति खुश होकर के ब्रिज से घर वापस जाता था, तो जो नकारात्मकता घर से पढ़ के आता था वो कैसे हो जाती थी। अब गंगा कुमारी विद्यालय में आप आश्रम में आओगे तो बहुत सुंदर सुंदर विचार लगे हुए हैं, वो पढ़ते ही कई लोग कहते हैं कि हमें तो यहाँ आने से बहुत शांति लगी, बहुत अच्छा लगा। तो वो कोटेशन सकारात्मक जीवन लाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। बात कहने की ये है कि हम विचारों से कैसे हमारे जीवन परिवर्तन होती है। निगेटिव विचार दिए तो क्या हमें लगा, वो ब्रिज कैसे बना, कॉन्सेंट ब्रिज बना, भूतों वाला ब्रिज बना। और जैसे ही वहां पर पॉजिटिव थॉट्स लगाए गए तो वो जो ब्रिज बना वो पिकनिक स्पॉट बन गया, लोग उसको देखने के लिए आने लगे, लोग वहां अच्छा लगता है इसके लिए आने लगे। इसका प्रभाव है पॉजिटिविटी का प्रभाव है। तो क्या ऐसे ही पॉजिटिविटी हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती, हमारे जीवन में नहीं काम कर सकती? तो इसलिए जब इस जीवन के मार्ग पर हम चल रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में
पॉजिटिविटी को अपने जीवन में बरकरार रखना। तो मार्ग कैसा हो हमारा? सकारात्मक। लक्ष्य कैसा हो? स्मार्ट। और मार्ग कैसा हो? सकारात्मक पॉजिटिव। सोचेंगे पॉजिटिव, सोचेंगे पॉजिटिव, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, वैसा हम बनते हैं। पक्का? ओके, आगे बढ़ रहे। और जैसा मैं विचार दूंगी आप कहेंगे खास, तो आप वैसे बन जाएंगे। ठीक है, मैं सुखी आत्मा हूँ। हाथ ऊपर। मैं सक्सेसफुल स्टूडेंट हूँ। मैं हैप्पी हूँ। मैं दुखी हूँ। क्या बात हुई? इसमें अपने मन पर पूरा अटेंशन रखना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने क्यों कहा कि मैं दुखी हूँ? क्योंकि उस मोड में आप भूल जाते हैं। हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है। आगे वाला क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं होता। इसलिए पूरा अटेंशन से मन के ऊपर अपना वॉच रहे, चेकिंग रहे कि मुझे कैसे सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है।